अदिति और विवान अदिति के चेकअप के लिए इनफर्टिलिटी सेंटर आए हुए थे। डॉक्टर शुभी के केबिन में जाने से पहले विवान ने उसे पूछा कि अगर वो अपना फैसला बदलना चाहे तो अभी भी बदल सकती है, क्योंकि इसके बाद वो पीछे नहीं हट पाएगी। अदिति ने हंसते हुए कहा, ये पूछने के लिए अब बहुत देर हो गई है विवान, अब अंदर चले। इतना कहते हुए उसने डोर ओपन किया और कहा, मे वी कम इन। डॉक्टर शुभी अपनी चेयर पर बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और कहा, अरे अदिति प्लीज कम इन, मैं आप दोनों का ही वेट कर रही थी। अदिति मुस्कुराती हुई रूम के अंदर आई, उसके पीछे विवान भी था। विवान ने डॉक्टर शुभी से हाथ मिलाया, फिर अदिति और वो विजिटर्स चेयर पर बैठ गए। डॉक्टर शुभी ने पूछा, तो आप दोनों तैयार हैं? आई होप आप दोनों के बीच सारी डिस्कशंस अच्छे से हो गई हैं। अदिति तुम सब ठीक से समझ गई हो ना? जी डॉक्टर, मैं रेडी हूँ, डॉक्टर शुभी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके देन वी विल स्टार्ट। तो अदिति, सबसे पहले तुम्हारा पूरा चेकअप होगा, जिसमें कुछ टेस्ट्स होंगे जिससे ये पता चलेगा कि तुम कंसीव कर सकती हो या नहीं। अदिति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर। मन ही मन उसे बहुत डर लग रहा था। उसके दोनों हाथ उसकी गोद में आपस में गुंथे हुए थे। विवान देख पा रहा था, एक्चुअली वो खुद भी बहुत नर्वस था। उसने पूछा, डॉक्टर इनकी रिपोर्ट्स आने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर शुभी ने बताया, कुछ टेस्ट्स की रिपोर्ट्स तो कल ही आ जाएंगी, पर कुछ रिपोर्ट्स आने में 3-4 दिन लग जाएंगे। विवान ने बहुत धीरे से ओके कहा। उसके कहने के अंदाज से साफ लग रहा था कि उसे रिपोर्ट्स के आने की बहुत जल्दी थी। अदिति को ये देखकर बुरा लग रहा था कि विवान को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसे तो बस इस बात का इंतजार था कि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, ताकि आगे की प्रोसेस शुरू हो सके। वो मन ही मन सोचने लगी, कितना इनसेंसिटिव बंदा है, लेकिन आखिर वो मेरी चिंता क्यों करेगा? आई एम नथिंग टू हिम, व्हाट मैटर्स फॉर हिम इज माय रिपोर्ट्स, सो इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि उसे उसी की फिक्र होगी। डॉक्टर शुभी 2 मिनट के लिए केबिन से बाहर आ गई। अदिति के चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना आने लगा था, डर उस पर हावी था। विवान को भी समझ आ रहा था। उसने बहुत पोलाइटली पूछा, अदिति आप ठीक तो है ना? आपको इतना पसीना आ रहा है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अदिति ने पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वो विवान की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि पूरे केबिन में इधर उधर देख रही थी, मानो किसी ने उसे केबिन में रखी सारी चीजों के नाम याद करने को कहा हो। विवान कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खामोशी में बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर शुभी वापस आई और उन्होंने अदिति को साथ चलने के लिए कहा। अदिति उनके साथ अंदर बने रूम में चली गई। ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट था। वो बहुत अनकंफर्टेबल थी। भले ही उसका चेकअप एक लेडी डॉक्टर कर रही थी, मगर फिर भी उसे ह्यूमिलिएटिंग फील हो रहा था। वो दुआ कर रही थी कि ये सब जल्दी से खत्म हो जाए तो अच्छा हो। कुछ देर के बाद उसके बाकी टेस्ट्स हुए, जिसमें सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट्स जैसे और भी कई टेस्ट्स थे। फाइनली लगभग 2 घंटे बाद सारा चेकअप खत्म हुआ। वो बहुत टायर्ड फील कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसने कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। अभी तो नॉर्मल चेकअप हुआ है, उसी में इतना झंझट हुआ, आगे पता नहीं क्या होगा। चेकअप के बाद अदिति और डॉक्टर शुभी केबिन में वापस आ गए। विवान वहां उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी बेसब्री का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि अदिति के केबिन में आते ही वो अपनी चेयर से खड़ा होकर सीधे उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना, आर यू फाइन? फिर उसने बिना अदिति के जवाब का वेट किए डॉक्टर शुभी से पूछा, डॉक्टर इज शी फाइन, आई मीन सब ठीक है ना, हम आगे की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं ना? अदिति ने उसे थोड़ा गुस्से से घूर कर देखा और सोचने लगी, क्या यार कितना अजीब है ये, इसका बस चले तो आज ही बेबी की डिलीवरी करवा ले। डॉक्टर शुभी ने हंसते हुए कहा, डोंट बी सो डेस्परेट मिस्टर विवान, लेट्स हैव अ सीट देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। वो
तीनों अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ गई। फिर डॉक्टर शुभी ने कहा, देखिए मिस्टर विवान, आज तो सारे टेस्ट हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि रिपोर्ट्स आने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी। और फिर उन्होंने अदिति से कहा, अदिति तुम थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो, मुझे विवान से कुछ बात करनी है। अदिति को ये बात अजीब लगी, पर फिर भी वो उठकर केबिन के बाहर लगी बेंच पर जाकर बैठ गई। वो सोच रही थी, अभी तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स आने से पहले वो कुछ भी नहीं बता सकती, फिर उन्हें विवान से अकेले में क्या बात करनी है? कहीं मेरे टेस्ट्स में इन्हें कोई गड़बड़ तो नहीं नजर आ गई ना? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मैं अपनी फैमिली को हेल्प कैसे कर पाऊंगी? पापा की सर्जरी कैसे होगी? प्लीज भगवान, ऐसा कुछ मत होने देना, वरना सब खत्म हो जाएगा। इधर केबिन में विवान भी हैरानी से डॉक्टर शुभी को देख रहा था। उसने पूछा, कहिए डॉक्टर, आपको मुझसे क्या बात करनी है? डॉक्टर शुभी ने कहा, मिस्टर विवान, पहली बात तो ये है कि आपको अदिति के साथ थोड़ा पोलाइटली डील करना होगा। सॉरी टू से, बट मैंने नोटिस किया है कि यू आर वेरी मच प्रोफेशनल विद हर। आपको आपका एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना होगा। शी इज जस्ट अ कॉलेज गोइंग गर्ल, शी इज कम्प्लीटली अननोन अबाउट ऑल दिस एंड शी इज वेरी अफ्रेड ऑल्सो। आपको उसे कंफर्टेबल फील करवाना होगा ताकि वो ये सब पॉजिटिवली हैंडल कर सके, क्योंकि यू नो इस केस में फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको उसकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। विवान ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके डॉक्टर, आई विल टेक केयर अबाउट दैट। डॉक्टर शुभी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, एंड नाउ द सेकंड थिंग, मिस्टर विवान, हमें आपके भी कुछ टेस्ट करने होंगे। डोंट वरी, इट्स जस्ट नॉर्मल टेस्ट। विवान ने थोड़ा कॉन्शियस होते हुए कहा, या आई नो डॉक्टर, आई एम रेडी। ओके देन, आप कल आ जाइए, हम कल आपके टेस्ट कर लेंगे। विवान ने हाँ में सिर हिलाते हुए ओके कहा और फिर थैंक यू बोलता हुआ अपनी चेयर से खड़ा हो गया। वो केबिन के बाहर आया जहाँ अदिति उसका वेट कर रही थी। अदिति ने जब उसे बाहर आते देखा तो घबरा कर पूछा, क्या हुआ विवान, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? कहीं मेरे टेस्ट्स? वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि विवान ने उसे रोकते हुए कहा, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे भी कुछ टेस्ट होने हैं, तो डॉक्टर ने बस उसी के बारे में बात करने के लिए रोका था। अदिति को फिर से बहुत अजीब लगा। कमाल है, जब मेरे टेस्ट होने थे तो सारी डिस्कशंस इसके सामने हुई, और जब इसके टेस्ट की बात आई तो मुझे बाहर भेज दिया। ये क्या बात हुई? विवान हॉस्पिटल के बाहर जाने लगा, अदिति भी चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। जब दोनों बाहर आए तो विवान ने उसे पूछा, अदिति आप ठीक हो ना? अदिति ने हैरानी से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? नहीं, वो अंदर आप थोड़ी अपसेट लग रही थी तो इसलिए पूछा। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, हाँ वो मुझे हॉस्पिटल के नाम से ही चिढ़ है, इसलिए यहाँ का माहौल ही मुझे आधा बीमार कर देता है, और इतने सारे टेस्ट्स, इसलिए थोड़ा नॉशियस सा फील हो रहा था, बट नाउ आई एम फाइन। विवान ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विवान ने जोर देते हुए कहा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी अंधेरा हो गया है, ऐसे में आपका अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, मैं आपको छोड़ दूंगा, आइए। अदिति ने सोचा, अगर हॉस्टल में किसी ने मुझे इसकी कार से उतरते हुए देख लिया तो 100 तरह के सवाल पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं नहीं, अच्छा यही होगा कि मैं अकेले ही जाऊं। विवान अभी भी कार के खुले हुए दरवाजे पर अपने हाथ रखे हुए खड़ा था। उसने पूछा, क्या हुआ, क्या सोचने लगी, चलिए ना। अदिति ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं वो मुझे मार्केट में थोड़ा काम भी है, तो सोच रही हूँ वो भी निपटा लूं फिर हॉस्टल जाऊंगी। तो मैं आपको मार्केट छोड़ देता हूँ। उसे जिद करते देख वो मन ही मन बड़बड़ाई, यार ये इतना चिपकू क्यों बन रहा है, कल तक तो ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विवान को अपने साथ चलने से कैसे रोके। तभी विवान को एक कॉल आया, उसने कार का दरवाजा बंद किया और थोड़ी दूर जाकर उस कॉल पर बात करने लगा। अदिति वहीं खड़ी होकर सोच रही थी कि उसे मना कैसे किया जाए। तभी विवान का कॉल खत्म हुआ
और उसने आकर कहा, सॉरी अदिति, मेरी अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं आपके लिए कैब बुक कर देता हूँ। अदिति ने मन ही मन भगवान को थैंक यू बोलते हुए कहा, नो इट्स ओके, डोंट बॉदर, आई विल मैनेज, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अदिति सोच रही थी, कैब के किराए में मैं 10 बार ऑटो से आना जाना कर लूंगी, वैसे भी इस समय मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं कैब से जा पाऊं, मगर इस विवान को कौन समझाए। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, ओके देन बाय। उसने भी अब ज्यादा जिद नहीं की और फिर अदिति ने बाय बोलते हुए अपने कदम पार्किंग से बाहर की ओर बढ़ा दिए। विवान अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। अदिति ने बाहर आकर सिटी बस पकड़ी और हॉस्टल आ गई। आज का दिन उसके लिए बहुत थकावट भरा रहा। वो हॉस्टल जाकर सोना चाहती थी। अपने रूम में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले शावर लिया। नहाने के बाद वो बहुत हल्का फील कर रही थी। वो अपने बेड पर सीधी लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी और वो बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद वो उठी तो उसे भूख लग रही थी। वो अपने रूम से बाहर निकली और रावी के कमरे में गई। उसे देखकर हैरानी हुई कि रावी अपने रूम में नहीं थी। उसने उसे कॉल किया। उसकी फोन उठाते ही अदिति ने बिना उसका हाय हेलो सुने सीधे सवाल किया, कहाँ है तू? मैं कब से वेट कर रही हूँ, मुझे बिना बताए कहाँ चली गई? जवाब में रावी के हंसने की आवाज आई। उसने हंसते हुए कहा, कब से वेट कर रही हूँ का क्या मतलब है? मैं जस्ट 5 मिनट पहले ही रूम से निकली हूँ। अदिति ये सुनकर थोड़ी एम्बैरस हो गई और बोली, हाँ ठीक है, 5 मिनट से ही सही वेट तो कर रही हूँ ना, तू है कहाँ? उस पर रावी ने कहा, अरे बस नीचे वाली शॉप पर आई थी, कुछ बिस्किट्स लेने थे, पढ़ते पढ़ते भूख लगने लगी। अच्छा तू वापस कब आई? तू वही रुक, मैं भी नीचे आ रही हूँ, फिर सब बताती हूँ। अभी रात के लगभग 10 बजने आए थे, मैस बंद होने वाला था। अदिति ने सोचा अब अगर लेट हुई तो ठंडा खाना ही मिलना है। वैसे भी ये घर तो नहीं है जहां जिस वक्त भी खाना खाओ गरम ही मिलता था। वो याद करने लगी कि कैसे उसकी मम्मी उसे या उसके भाई बहनों को कभी ठंडा खाना नहीं खाने देती थी। कहती थी ठंडे खाने का स्वाद खत्म हो जाता है, मगर हॉस्टल आने के बाद कई बार उसने ठंडा खाना खाया था और ऐसे हर मौके पर वो अपनी मम्मी को याद करके रोई भी थी। आज भी कुछ ऐसा ही मौका था, पर आज वो ठंडा खाना खाने के मूड में नहीं थी। उसने सोचा रावी के साथ जाकर पाव भाजी खाती हूँ। ये सोचते हुए वो हॉस्टल के नीचे बनी शॉप पर गई जहाँ रावी पहले से ही खड़ी थी। रावी ने उसके पास आते हुए पूछा, तू वापस कब आई? अदिति ने जवाब दिया, बस यही कोई 1 घंटा हुआ है, बहुत थकान हो रही थी तो थोड़ा आराम किया, फिर खाने के लिए तुझे बुलाने आई, मुझे पता था मेरे बिना तूने भी खाना नहीं खाया होगा। रावी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, और अब जोरों की भूख लग रही थी तो सोचा तेरे आने तक थोड़े बिस्किट ही खा लूं। अदिति ने थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहा, सॉरी यार, अच्छा चल पाव भाजी खाकर आते हैं। ये सुन रावी ने हैरानी से पूछा, पाव भाजी इस समय? हाँ यार, मैं इसका खाना बहुत ठंडा हो चुका होगा ना, और आज वैसा खाना खाने का मन नहीं है। रावी ने हंसते हुए कहा, सच कहूं तो तूने मेरे दिल की बात बोल दी, मैं भी यही सोच रही थी। अदिति ने भी हंसते हुए कहा, देखा तेरे दिल की बात मैं जानू। और फिर दोनों हंसते हुए चली गई। उनके हॉस्टल से थोड़ी ही दूरी पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ठेले लगे होते थे जहां लगभग हर तरह का खाना मिल जाता था। दोनों ने पाव भाजी के ठेले पर जाकर ऑर्डर दिया और ठेले से कुछ दूरी पर लगे स्टूल्स पर बैठ गई। रावी ने पूछा, अच्छा बता क्या हुआ इनफर्टिलिटी सेंटर में? तुझे आने में भी काफी देर हो गई, मुझे चिंता हो रही थी। अदिति ने गहरी सांस लेते हुए रावी को सारी बातें बता दी। सब कुछ सुनने के बाद रावी को बहुत शॉक लगा। उसके मन में आ रहा था कि वो अदिति को ये ना करने के लिए फिर से समझाए, मगर वो जानती थी कि अदिति नहीं मानेगी, इसलिए वो चुप रही। पाव भाजी खाते खाते रावी ने अचानक अदिति से कहा, अरे मुझे भी तुझे एक जरूरी बात बतानी है।